गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लासेस के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कस किया था और सर्किट डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था, और उससे पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया हुआ है बेटा मेंटेनेंस ऑफ द स्टेडी करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। और उससे पहले हमने दो क्वांटिटी के बारे में, दो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, तो आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे कौन सा टॉपिक है और क्या रिलेशन हम आज की क्लास में सीखेंगे। बेटा सपोज करो कि बेटा मेरे पास में एक कंडक्टर है, ठीक है, क्या है बेटा कंडक्टर, ठीक है। तो बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिस भी स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो उन स्टूडेंट्सों को आज की क्लास में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखना बेटा। मान लो एक कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ है एल है, ठीक है बेटा, एल लेंथ का कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने क्या करा डियर स्टूडेंट्स, उन इलेक्ट्रॉनों को ड्रिफ्ट कराने के लिए, उन इलेक्ट्रॉनों को ड्रिफ्ट कराने के लिए मैंने क्या लगा दिया डियर स्टूडेंट्स, एक सेल और क्या लगा दी बैटरी लगा दी। अब कह रहे हैं सर सेल और बैटरी लगाने से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट क्यों होते हैं, क्योंकि मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं कि बेटा सेल और जो बैटरी जो होते हैं वो किसी भी सर्किट के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जब डेवलप होता है अक्रॉस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो डियर स्टूडेंट्स कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। क्या सेटअप होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ के साथ में एक रिलेशन होता है ई इज इक्वल टू क्या बेटा वी अपॉन में एल होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बेटा ए है, और मैंने ये कह दिया कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ और बेटा लेंथ और जो एरिया है एंड जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर ये कंडक्टर रखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ये सभी पैरामीटर्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट है। क्या बेटा ये कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब मैंने ये फिक्स रखे हुए हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और पोटेंशियल डिफरेंस भी एल लेंथ के अक्रॉस में डेवलप है कंडक्टर के। तो कंडक्टर का स्पेशलाइजेशन ये है कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। कंडक्टर के अंदर कितना करंट बनता है ये बेसिकली डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स। और ये भी नहीं है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, बट उन नंबरों पर डिपेंड करता है, उन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डियर स्टूडेंट्स टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्न ऑफ द बैटरी की तरफ क्या होते हैं ड्रिफ्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, जो भी चार्ज पार्टिकल होती है डियर स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। क्या एक्सपीरियंस करती हैं, फोर्स एक्सपीरियंस, ठीक है बेटा। तो सपोज कर लेते हैं कि कोई कंडक्टर है जिसकी जो लेंथ है, मैंने मान ली लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ में मान लेता हूं इसकी लेंथ है बेटा 5 मीटर है, और वी की वैल्यू को मैं कंसीडर करता हूं कि बेटा वी की जो वैल्यू है वो है बेटा 10 वोल्ट है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी ई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप लोगों की 10th क्लास का नहीं है डियर स्टूडेंट, ये 12th क्लासेस में फॉर्मूला आता है, बट आप लोगों को थोड़ा सा इससे ज्यादा पिक्चर क्लियर होंगी इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को क्या किया बेटा यूज किया है। तो E इज इक्वल टू वी अपॉन में एल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V कितना बेटा 10 वोल्ट है, अपॉन में लेंथ कितनी है बेटा 5 मीटर, तो कितना आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 2 वोल्ट पर मीटर। इट मींस जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को अगर मैं 10 वोल्ट रखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी सेटअप होती है अक्रॉस द लेंथ ऑफ कंडक्टर ऑफ 5 मीटर, कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स
2 वोल्ट पर मीटर है डियर स्टूडेंट्स। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, जो नंबर जो फ्री इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर या जो एक टेम्परेचर जो फिक्स किया हुआ है कॉन्स्टेंट रखा हुआ है उस पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन के अंदर होते हैं तो डियर स्टूडेंट्स उनकी एवरेज जो वेलोसिटी जो होती है, उनकी इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो जीरो होती है, इसलिए वो कोई करंट नहीं बनाते। बट जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स हैं। क्या है? चार्ज पार्टिकल। और चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ये उन चार्ज पार्टिकल का अपना क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, नेचर होता है। क्या होता है? नेचर। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि अगर जैसे मैंने मान लो 2 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने होते हैं डियर स्टूडेंट्स, 10^28 से लेकर के 10^29 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कितने बेटा, नंबर ऑफ जो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स है मतलब नंबर जो डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितनी है बेटा, कितनी है कंडक्टर के अंदर कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली 10^28 से 10^29। ये सभी इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पर रैंडम मोशन करते हैं, ये ह्यूज अमाउंट होता है डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अब जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं, जैसे मान लो 2 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो सभी जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स है जैसे 10^28 से 10^29 ये सभी इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट नहीं होते। अब बात ये आती है सब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से चार पार्टिकल फोर्स लगना चाहिए, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस इसलिए नहीं करते क्योंकि सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग एनर्जी से क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर। ठीक है बेटा, ठीक है, मतलब विद इन द एटम्स जो नंबर ऑफ फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी है वो जीरो है। ठीक है बेटा, बट एवरेज स्पीड जो होती है फ्री इलेक्ट्रॉनों की डियर स्टूडेंट्स वो 10^3 से लेकर के 10^5 मीटर पर सेकंड होती है, बहुत ज्यादा होती है डियर स्टूडेंट्स। ये स्पीड किसकी बेटा, इलेक्ट्रॉनों की एट रूम टेम्परेचर पर। बट एवरेज वेलोसिटी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, जीरो होती है। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि सभी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पर सभी इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं करते। तो आप लोगों को ये आप चीज को रियलाइज होगा, आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो E = 2 वोल्ट पर मीटर पर मान लीजिए नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस किसी गिवन क्रॉस सेक्शन को, ये गिवन क्रॉस सेक्शन फिक्स है, इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करते हैं डियर स्टूडेंट्स कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको क्रॉस करते हैं डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स इस गिवन क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करते हैं डियर स्टूडेंट्स कितने टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। इट मींस कितना चार्ज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मूव कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 5, तो कितना चार्ज क्रॉस करेगा इस क्रॉस सेक्शन को, तो देखो क्या आएगा बेटा, Q = क्या होता है n into में क्या होता है बेटा E, तो Q = n की वैल्यू 5 में 1.6 × 10^-19 कूलम, तो Q = कितना आ जाएगा बेटा, कितना आएगा बेटा 5 × 16/10 क्या आ गया बेटा 10^-19 कूलम, 5 × 10 = 16, तो Q = कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स 8 × 10^-19 कूलम। कितने टाइम में ये क्रॉस कर रहा है ये चार्ज कितने टाइम में इस गिवन क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, 1 सेकंड में कर रहा है। इट मींस कितना चार्ज इसमें से फ्लो करेगा, चार्ज का फॉर्मूला बता, कितना करंट फ्लो करेगा, तो करंट क्या होता है Q/T, तो I = Q की वैल्यू कितनी है बेटा 8 × 10^-19
अपॉन में कितना बेटा 1 सेकंड, ठीक है, ये कूलम। तो आई की जो वैल्यूज होगी डियर स्टूडेंट्स 8 × 10⁻¹⁹ एम्पियर होगी, मतलब करंट जो फ्लो जो करेगा वो कितना फ्लो करेगा डियर स्टूडेंट्स 8 × 10⁻¹⁹ एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। जब वी कितना है बेटा 10 वोल्ट है, कंडक्टर की लेंथ कितनी है बेटा 5 मीटर। अगर मान लो मैं वी की वैल्यू को, अगर मैं वी की वैल्यू को कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए बेटा मैंने वी की वैल्यू को 15 वोल्ट कर दिया, लेंथ मैंने फिक्स रखी हुई है, तो लेंथ है बेटा हमारे पास में किसी कंडक्टर की 5 मीटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा इज इक्वल टू वी अपॉन एन 15/5 दैट इज 3 वोल्ट पर मीटर। 3 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 वोल्ट पर मीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जो चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब जो एन की जो वैल्यू जो होगी, जो नंबर ऑफ जो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जो पहले जो 5 इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे थे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, अब वो इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने माना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बढ़े, कितने होंगे, ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो ज्यादा वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे। तो मान लो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो गए, मतलब क्यू कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, कितना चार्ज उसी क्रॉस सेक्शन को जो मैंने फिक्स रखा हुआ है और उसी टाइम में कितना चार्ज उसको क्रॉस करके जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा n इंटू में E होता है, तो Q इज इक्वल टू n इंटू में E 10 इंटू में 1.6 इंटू में 10 की पावर बेटा 9 − 19 क्या बेटा कूलाम है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, कितना आएगा ये बन जाएगा बेटा 16 इंटू में 10⁻¹⁹ कूलाम बनेगा, क्योंकि इसका पॉइंट हमने 10 लगा हुआ, 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 16 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो कितना करंट फ्लो करेगा डियर स्टूडेंट्स इस कंडक्टर के अंदर, कितना करंट फ्लो करेगा बेटा I इक्वल टू Q अपॉन में क्या होता है T, तो I इज इक्वल टू Q 16 × 10⁻¹⁹ कूलाम अपॉन में T की वैल्यू बेटा कितनी है 1 सेकंड। तो करंट कितना फ्लो करेगा डियर स्टूडेंट्स 16 × 10⁻¹⁹ एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो इस अगर मैं और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगा, मतलब कहने मतलब क्या कि अगर मैं वी को और ज्यादा राइज करूंगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, फिक्स लेंथ के लिए ई बढ़ेगा, ई बढ़ने से क्या होगा डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे जो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ एक्सीलरेट हो रहे हैं, उन वो नंबर्स बढ़ेगा, अगर नंबर बढ़ेगा तो क्यू की वैल्यू बढ़ेगी, अगर क्यू बढ़ेगा तो आई क्या होगा डियर स्टूडेंट्स बढ़ेगा। तो देखो ध्यान से, इस चीज से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिलता है, क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है, इंपॉर्टेंट हमें ये रिलेशन मिलता है कि जैसे जैसे हम वी की वैल्यू को बढ़ाते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारा राइज होता है, अगर हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस को डियर स्टूडेंट्स राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ जो ड्रिफ्ट होते हैं वो नंबर्स बढ़ जाते हैं, उन नंबर बढ़ने की वजह से उस गिवन टाइम में और फिक्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जब वो चार्ज क्रॉस करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो मैं आपको आज की क्लास में ये बताना चाह रहा हूं कि जब वी हमारा 10 वोल्ट था तो करंट कितना फ्लो कर रहा था डियर स्टूडेंट्स, करंट कितना था 8 × 10⁻¹⁹ एम्पियर। वी जब हमारा 15 वोल्ट है तो आई क्या है डियर स्टूडेंट्स 16 × 10⁻¹⁹ एम्पियर। इसका मतलब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन है, और कैसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, अगर V बढ़ता है
अगर V बढ़ता है तो आई वी, पहले 10 वोल्ट था तो करंट इतना था, V बढ़ा तो आई वी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, बढ़ गया। V बढ़ा तो आई वी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि जो पोटेंशियल, इसका मतलब यह है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो आई इंक्रीज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर घटेगा तो आई डी डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, घटेगा। इट मींस दैट कि इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इन ए वायर, पासिंग थ्रू इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गिवन एंड ऑफ द कंडक्टर विच हैव द कॉन्स्टेंट लेंथ, कॉन्स्टेंट एरिया एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इसको हम एक लॉ बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इसका नाम है ओम्स लॉ। क्या है डियर स्टूडेंट्स? ओम्स लॉ। क्योंकि इसका डियर स्टूडेंट्स जो बेसिकली रिलेशन जो दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट के साथ का जो रिलेशन जो हमने निकाला है कि इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इन ए कंडक्टर या वायर, तो मैं यहां लिख देता हूं डियर स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इन ए वायर, इट मींस डियर स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इन सर्टेन कंडक्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रपोजनल स्पेलिंग है बेटा PROPORTIONAL प्रपोजनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस when length comma area comma, इसको हम लेंथ और एरिया को इतनी समझिए भी क्या 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 कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम और डियर स्टूडेंट्स जो प्रेशर है वो, और दूसरा डियर स्टूडेंट्स टेम्परेचर है जो, वो क्या होते हैं इज फिक्स्ड व्हेन लेंथ एरिया प्रेशर टेम्परेचर इज फिक्स्ड। तो डियर स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसी को डियर स्टूडेंट्स हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ बोलते हैं। ओम एक साइंटिस्ट है डियर स्टूडेंट्स, इसका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 1828 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करा और उस एक्सपेरिमेंट में यह चीज पता चली कि फॉर ए सर्टेन कंडक्टर के लिए, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम हो गया डियर स्टूडेंट्स, सिल्वर है, ठीक है बेटा, तो उनके अगर वहां पर लेंथ फिक्स है कंडक्टर की, एरिया फिक्स है, इट मींस वॉल्यूम फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, टेम्परेचर अगर फिक्स है, तो डियर स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक जो करंट जो पास जो करता है उन कंडक्टर के अंदर से, वो डायरेक्टली प्रपोजनल किसके होता है डियर स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस के होता है। किसके होता है डायरेक्टली प्रपोजनल, पोटेंशियल डिफरेंस। या हम ये कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं हम इस चीज को। अगर मैं इसका प्रपोजनलिटी हटाऊं डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोपोर्शनलिटी है, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाना चाहता हूं और इक्वल लिखना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स हम यहां पर क्या यूज करेंगे बेटा,
कॉन्स्टेंट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कॉन्स्टेंट। तो यहां जो कॉन्स्टेंट है वो कैपिटल आर यूज किया गया है, क्या यूज किया गया डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल आर, और ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स आई। वेयर में लिख देता हूं यहां पर कि वेयर आर इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी क्या है डियर स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट है। और ओम्स लॉ ने, ओम्स ने ये बताया कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी जो कॉन्स्टेंट जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, इसी कॉन्स्टेंट को, दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज, इसी कॉन्स्टेंट को डियर स्टूडेंट्स हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस। जो अब तक मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस पढ़ा रहा था अब वो आने वाला है, इंट्रोड्यूस हो चुका है ओम्स लॉ में, ठीक है, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को जनरल आइडिया दे रहे हैं। तो V इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, आर आई होता है, मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में से, किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है तो उस कंडक्टर का डियर स्टूडेंट्स अगर उसकी लेंथ फिक्स है, अगर उसकी लेंथ फिक्स है, एरिया फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, तो डियर स्टूडेंट्स उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट होता है, क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। तो जो इलेक्ट्रिक जो करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाइड जो होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू आर आई के होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट जब पास करता है थ्रू ए रेजिस्टेंस, थ्रू ए रेजिस्टेंस, तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आता है, वहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होता है, V इज इक्वल टू आर आई होता है, या आई आर भी बोल देते हैं या आर आई बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, तो V इज इक्वल टू आर आई, ठीक है बेटा। अगर मैं निकालना चाहूं डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं वन लीनियर फॉर्मूले अगर बनाना चाहता हूं तो वन लीनियर फॉर्मूले क्या बनेंगे डियर स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू V अपॉन में क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, R हो गया। इसका मतलब ये है कि डियर स्टूडेंट्स कि जो करंट जो है, अगर हमारा इफ R कॉन्स्टेंट है, अगर R बराबर अगर हमारा कॉन्स्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, R क्या बेटा कॉन्स्टेंट अगर है तो डियर स्टूडेंट्स जो करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, V के होगा, मतलब V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, मतलब V बढ़ा तो I भी बढ़ेगा, और अगर V घटेगा एंड अगर V घटेगा डियर स्टूडेंट्स तो I भी क्या होगा बेटा घटेगा, I भी क्या होगा बेटा घटेगा, जब हमारा किसी गिवन वायर के लिए रेजिस्टेंस कैसा है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है कॉन्स्टेंट। अगर मान लो डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो बेटा, अगर मान लीजिए मैं V को कॉन्स्टेंट कर देता हूं, V को क्या कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट कर देता हूं, तो डियर स्टूडेंट जो करंट की जो वैल्यू जो रहेगी, जो इलेक्ट्रिक करंट जो पास जो करेगा इन वायर के अंदर, वो डियर स्टूडेंट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस के। ये आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लेना इस चीज को कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बेटा, ठीक है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या बेटा, रेजिस्टेंस के है। अभी रेजिस्टेंस मैं आपको बताऊंगा, रेजिस्टेंस अभी मैंने डिफाइन नहीं करा है, मैं आपको डिफाइन करूंगा, अभी थोड़े से कॉमन पॉइंट आप लोग समझे बेटा। अगर R की वैल्यू को अगर मैं बढ़ाऊंगा बेटा, अगर वायर का अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा डियर स्टूडेंट्स बढ़ेगा, तो करंट डियर स्टूडेंट्स क्या होगा घटेगा बेटा, क्योंकि वो उसके क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, एंड अगर हमारा R, अगर R हमारा घटेगा, ये बेटा मैं एरो दिखा रहा हूं ना, ये इंक्रीज का सिंबल मैं यहां पर मान रहा हूं,
और ये वाला जो डाउनवर्ड दिखा रहा हूं मैं सैरो को, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही यहां पर है V का एरो ऊपर है तो V को इंक्रीज मान रहा हूं, तो I का एरो ऊपर नहीं है तो इंक्रीज करंट हो रहा है। अगर V अगर ये एरो अगर डाउनवर्ड है तो डियर स्टूडेंट मैं ये कह रहा हूं कि V क्या हो रहा है डिक्रीज, तो I भी क्या हो रहा है बेटा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर R डिक्रीज होगा तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो I है जो करंट जो फ्लो करेगा वायर के अंदर वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज होगा। इसके दो तीन क्वेश्चन आते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या आते हैं कि अगर मान लो मैं रेजिस्टेंस को डबल कर देता हूं, रेजिस्टेंस को क्या करता हूं बेटा मैं डबल कर देता हूं, रेजिस्टेंस को मैंने डबल कर दिया तो बताओ करंट पर, रेजिस्टेंस डबल करा तो बताओ करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो करंट जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो 1/2 टाइम्स क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा ना कि इंक्रीज होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस इज अगर रेजिस्टेंस भाई डबल है तो करंट क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस तो बढ़ गया ना बट करंट कैसा हो गया घट गया, तो रेजिस्टेंस के डबल होने से करंट जो होता है वो हाफ हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। अगर मान लो डियर स्टूडेंट्स वी को मैं अगर डबल कर देता हूं तो आई भी डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा डबल होगा। अगर मान लो मैं आर को मैं डियर स्टूडेंट्स हाफ कर दूं, अगर मैं R को हाफ कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स तो करंट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स डबल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस के है, तो 1/ में R की वैल्यू 1/2 तो 2 पर जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा बेटा डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स डबल। तो आज की क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया है, तो आज की क्लासेस का मेन टॉपिक हमारा यही है ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ इट इज ए नॉट ए फंडामेंटल लॉ, ये फंडामेंटल लॉ नहीं है, तो मैं इसके बारे में डिस्कस भी करूंगा। इट इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ, इट इज ए एम्पिरिकल लॉ, इट इज ए एम्पिरिकल लॉ, बट इट इज ए लॉ विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इन ए सर्टेन कंडक्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ कंडीशन होती हैं डियर स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस के होता है। अगर आपने लेंथ को अगर फिक्स नहीं रखा, लेंथ को आप चेंज करते गए तो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस के नहीं होगा, ये भी आगे वाली क्लास में डिस्कस होगा। एरिया अगर हमने फिक्स नहीं करा तब भी इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस के नहीं होगा। अगर हमने टेम्परेचर और प्रेशर को भी अगर कॉन्स्टेंट नहीं रखा, फिक्स नहीं रखा, तो भी इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस के नहीं होगा। इट मींस ओम्स लॉ एप्लीकेबल है डियर स्टूडेंट्स सर्टेन कंडक्टर के लिए अंडर ए सर्टेन कंडीशंस, सर्टेन कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशंस, लेंथ एरिया प्रेशर टेम्परेचर इज फिक्स्ड, ये इसकी कुछ कंडीशंस हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या है कंडीशंस, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, मतलब इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, तो V इज इक्वल टू इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए डियर स्टूडेंट्स मैं कांस्टेंट यूज करूंगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहां मैंने क्या यूज किया डियर स्टूडेंट्स R, ये जो R है ना डियर स्टूडेंट्स इसी R को हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो V इज इक्वल टू R I, तो I इज इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट्स V अपॉन में R। अगर R की वैल्यू को अगर हमने फिक्स कर दिया है बाई कीपिंग द लेंथ, बाई कीपिंग द लेंथ एरिया प्रेशर टेम्परेचर फिक्स, द रेजिस्टेंस इज फिक्स, अगर रेजिस्टेंस फिक्स है, नेचर ऑफ मटेरियल फिक्स है, मटेरियल भी फिक्स है, लेंथ फिक्स है, एरिया फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, तो डियर स्टूडेंट्स आर तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अगर आर कॉन्स्टेंट हो गया तो डियर स्टूडेंट्स करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, तो वी बढ़ता है तो आई बढ़ती है, वी घटता है तो आई क्या होती है डियर स्टूडेंट्स घटती है। ये कॉमन एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मान लो कि मैं 110 वोल्ट की बैटरी से मैं मान लो किसी इलेक्ट्रिक फैन को अगर मैं लगा ऑपरेट कराता हूं अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस, मैं इलेक्ट्रिक फैन ऑपरेट कराता हूं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, और दूसरा मैं एक 220 वोल्ट पर क्या करता हूं डियर स्टूडेंट्स 220 वोल्ट पर उसी सेम फैन को मैं क्या कराता हूं डियर स्टूडेंट्स ऑपरेट कराता हूं, तो क्या डिफरेंस मिलेगा आप लोगों को जनरलाइज आपको आइडिया मिल जाएगा कि डियर स्टूडेंट्स जहां पर वी कम होगा
तो आप लोगों को मिलेगा कि वहां पर क्या होगा डियर स्टूडेंट, जो फैन है वो उस इतना ज्यादा रोटेट नहीं करेगा जितना 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, मूव करेगा डियर स्टूडेंट्स अबाउट इट्स एक्सिस, नॉट ए लीनियर डिस्टेंस अबाउट इट्स एक्सिस। या फिर सोच सकते हो डियर स्टूडेंट्स, मान लो मेरे पास में एक बल्ब है, ठीक है, ठीक है बेटा, बल्ब है और बल्ब को मैंने पहले 2 सेल से मैंने लगाया, 1.5 के 2 सेल्स है, उनको मैंने इस तरीके से कंबाइन किया सीरीज में कि कितना हो गया उनका डियर स्टूडेंट्स 3 वोल्ट हो गया। मैंने बल्ब को लगाया, ग्लो करा, उसकी इंटेंसिटी मैंने चेक करके देखी, इंटेंसिटी मेजरमेंट करी, लाइट की इंटेंसिटी देखी, ठीक है डियर स्टूडेंट, मींस ब्राइटनेस देखी मैंने उसकी। दूसरा डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या करा, एक सेल, 2 सेल ले लिए 5-5 वोल्ट के, दोनों लगा दिए, सेम बल्ब लगा दिए, तो क्या होगा लाइट की इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, बढ़ जाएगी, इट मींस करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा डियर स्टूडेंट्स की जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के हैं। अगर हमारा वी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, आर बड़ा तो आई घटेगा, आर घटा तो आई बढ़ा, आर डबल हो जाएगा तो करंट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 1/2 टाइम्स डिक्रीज होगा, वी डबल तो आई डबल, क्योंकि डायरेक्टली अगर V को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 3 टाइम्स तो I भी 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। R की वैल्यू कितनी है बेटा, अगर मैं रेजिस्टेंस को अगर मैं 1/2 टाइम्स कर देता हूँ तो करंट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आने वाली क्लासेस रेजिस्टेंस की होंगी, तो आप लोग टेंशन मत लेना कि रेजिस्टेंस क्या है सर ये तो हमें समझ में नहीं आया, तो आप लोगों को ये पिक्चर क्लियर हो चुकी है। थैंक यू बेटा।